सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, इस लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, और हमारी जर्नी पहुंची थी माइटोसिस की मेटाफेज पर। एन फेज हम लोग पढ़ रहे थे, मेटाफेज तक हमने पढ़ा था। मेटाफेज में क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर पूरा बन चुका होता है। स्पिंडल फाइबर जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो सेल के बीचों बीच इस तरह से एक इक्वेटर पे आकर के सब अरेंज हो जाते हैं, और सेंटर में ये प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं। सेंटर में जहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स सेंटर में अरेंज हो जाते हैं, इस तरह से प्लेट जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो मेटाफेज की स्ट्रक्चर में सारे क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो गए, उनको इजिली देखा जा सकता है, काउंट किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है, इसको हम मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। दोनों में क्या होते हैं, दोनों साइड पर, दोनों पोल्स में आपके सेंट्रियोल्स हैं जिनसे स्पिंडल फाइबर जुड़े होते हैं, जिनसे क्रोमोसोम कनेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर कुछ मेटाफेज में डेवलप हो चुकी है। अब हम देखेंगे कि आगे इसमें चेंजेस कैसे आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं जब वो एनाफेज में मूव होती है। तो सबसे पहले गाइस इसमें देखो कि ये, फिर से मैं एनाफेज में बता देता हूँ कि जो जो चेंजेस होते हैं वो हम इस सेकंड डायग्राम में समझेंगे, है ना, और फाइनली एनाफेज कैसी दिखती है वो हम इस थर्ड डायग्राम में समझेंगे। ओके, तो क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको समझ लो। इसमें क्या हो रहा है, अपने पास मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम इस तरह से सेंटर पे मेटाफेज प्लेट के अंदर जमे हुए हैं। ठीक है, ये क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पे जमे हुए हैं। मैं कम बना देता हूँ ताकि आपको इजिली देखने में आसानी हो। ठीक है, जितने भी क्रोमोसोम है वो सब, ठीक है, समझने के लिए मैंने दो ही बनाए हैं यहाँ पर। कितने भी क्रोमोसोम आप अलग अलग सेल के लिए ले सकते हैं। तो स्पिंडल फाइबर इस तरह से बना होता है। कुछ ऐसे फाइबर भी होते हैं जो कनेक्ट नहीं होते, क्रोमोसोम से कनेक्ट नहीं होते, ठीक है, जो काइनेटोकोर से नहीं जुड़े होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं, क्रोमोसोम से जुड़े होते हैं। ठीक है गाइस, तो इस तरह से स्ट्रक्चर मेटाफेज में होती है, सेंटर में सब जमे हुए हैं। अब एनाफेज में क्या होता है वो समझो आप। एनाफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स है उनमें सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है, सेंट्रोमियर का, सेंट्रोमियर उनका डिवाइड होता है। अब सेंटर में देखते जा रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, ये देखो, थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूं मैं आपको ताकि आसानी से समझ में आएगा, तो ये रेड कलर ले लेते हैं। तो ये जो सेंट्रोमियर है ये क्या था, सेल का, क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर। अब क्रोमोसोम का डिवाइड होता है उसके सेंट्रोमियर से अलोंग द लेंथ क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से अलग हो जाते हैं। जैसे ये आपका एक क्रोमोसोम है, यहाँ पे बड़ा बना देता हूँ, क्रोमोसोम में सेंटर में जो जुड़ा हुआ है ये बीच वाला हिस्सा, ये सेंट्रोमियर है, वो क्रोमोसोम क्या होंगे, यहाँ सेंटर से दोनों अलग हो जाते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। दोनों जो क्रोमेटिड्स थी वो क्रोमेटिड अलग हो जाती है, एक तो ये क्रोमेटिड अलग ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ, ये दोनों वाली क्रोमेटेड अलग हो जाती है। तो सेंट्रोमियर का डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है कैसे, लेंथ वाइज डिवीजन होता है, कैसे, लेंथ वाइज यानी कि पूरी लंबाई में क्रोमोसोम कटते हैं, ऐसे नहीं कटते, लंबाई में कटते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये जो बाद में क्रोमोसोम्स बनी, अब ये जो सिस्टर क्रोमेटेड्स हैं दोनों एक दूसरे से अलग हो गई, पहले जुड़ी हुई थी, अब ये दोनों अलग हो गई है, सिस्टर क्रोमेटेड्स। और अब इन सिस्टर क्रोमेटिड्स को, क्योंकि वो क्रोमेटिड्स अलग हो गई हैं, तो ये क्या है, आगे बनने वाले फ्यूचर में जो न्यूक्लियस बनेगा, जो दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे उनका क्रोमोसोम है। ये किसका क्रोमोसोम है, अब बनने वाली डॉटर सेल्स का क्रोमोसोम है। अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे पढ़ के कैसे। तो अब इसको हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, जो डॉटर न्यूक्लियस बनेंगे उनका क्रोमोसोम बन चुका है अभी। पहले जिसको क्रोमेटेड बोलते थे वो क्या है, डॉटर सेल का क्रोमोसोम है। बात समझ में आ गई। अब क्या होता है, ये जो डॉटर क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हुए हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किधर चलना स्टार्ट कर देते हैं, अपोजिट पोल पे। जैसे ये वाली क्रोमेटेड जो थी ना, ये वाली क्रोमेटेड, ये क्रोमेटेड इस तरफ ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी, और नीचे वाली क्रोमेटेड, ये वाली क्रोमेटेड, ठीक है, ये क्रोमेटेड नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी। तो अपोजिट पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह क्रोमोसोम की ऊपर वाली क्रोमेटेड ऊपर और नीचे वाली क्रोमेटेड नीचे। ऐसा क्यों होता है गाइस, क्योंकि ये जो फाइबर्स हैं यहाँ पर, ये जो फाइबर हम देख रहे हैं, ये फाइबर सेंट्रोमियर के पास काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं, काइनेटोकोर से। अब क्या होता है, मान के चलो मेरे हाथ क्या है, फाइबर्स है, ये जब इनको खींचते हैं,
ठीक है। तो फाइबर्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है, फाइबर्स में कॉन्ट्रेक्शन होता है तो अपनी तरफ खींचते हैं ये, और जब अपनी तरफ खींचते हैं तो सेंट्रोमियर जो बीच में है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं और दोनों हिस्से एक 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 दूसरे से दूर चलते चले जाते हैं। इस तरह से जब इन फाइबर्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है, फाइबर अंदर की तरफ खींचते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, फाइबर्स अंदर की तरफ खींचते हैं तो सेंट्रोमियर जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेंट्रोमियर से अलग होकर अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और इनके जो ट्रेल्स होती है वो पीछे घूमने लगती है, जैसे कि आगे मैं बताता हूँ किस तरह से हुआ कि ये आपके मान के चलो क्या है, फिर से सेंट्रियोल है, एस्टर निकले हुए हैं, ठीक है, और ये एस्टर निकले हुए हैं। क्रोमोसोम कहाँ है, क्रोमोसोम। अब इनके अंदर खिंचाव शुरू हो गया, स्पिंडल फाइबर क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स को खींच रहे हैं, ठीक है, उन्हीं को खींच रहे हैं। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ यहाँ पे, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब इन्होंने क्या किया, इन क्रोमोसोम्स को बीच में से डिवाइड तो कर ही दिया, सेंट्रोमियर से बीच में से डिवाइड कर दिया और अपनी तरफ खींचते जा रहे हैं, ठीक है। तो खींचने से क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम था वो इसका जो सेंट्रोमियर है वो तो इस तरफ चलता चला जाता है और जो उनकी आर्म्स है यानी क्रोमेटिड्स है वो इस तरह से पीछे लटकी हुई चलती चली जाती है, लटकती हुई चली जाती है, ठीक है। इसी तरह से इधर वाली का क्या होगा, ये सेंट्रोमियर और ये इसकी आर्म्स, ठीक है। तो इनको जब खींचते हैं तो सेंट्रोमियर तो फाइबर के साथ साथ ही आगे खींचता चला जाता है और जो आर्म्स है वो पीछे से ऐसे पीछे खींचती हुई चली जाती है, साथ में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरह से तो क्या होता है, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, तो इस वजह से क्या होता है, सेंट्रोमियर मूव करता है फाइबर के साथ और आर्म्स उसके पीछे पीछे मूव करती है। तो एनाफेज को हम कैसे समझ सकते हैं, एनाफेज को हम कैसे समझ सकते हैं कि किस फेज को हम एनाफेज बोलेंगे, तो उसमें आप देख लो इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है, किसका डिवीजन हो गया, सेंट्रोमियर का, सेंट्रोमियर स्प्लिट्स, स्प्लिट मतलब बीच में से अलग हो जाना, ठीक है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। और उसके अलावा क्रोमेटिड्स होती है वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, क्रोमेटिड यानी कि क्रोमेटिड किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना क्रोमेटिड, क्रोमेटिड मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल, मूव्स टू अपोजिट पोल्स, एक दूसरे के अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, कर दिया ना इन्होंने मूव करना शुरू, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, इन्होंने अपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है, हर एक पोल पे मान के चलो ये अपना एक पोल है ना, ये पूरा पोल है और एक ये दूसरा पोल है, तो ये जब चलते 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 पोल्स पर पहुंच जाएंगी तो क्या हो जाएगा, हर एक सेल के पास, ठीक है, ईच पोल हैज अ आइडेंटिकल सेट ऑफ जीन, ईच पोल हैज आइडेंटिकल सेट ऑफ जीन्स, आइडेंटिकल सेट ऑफ जीन्स। क्या हुआ था आपको याद है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड से कैसे बनी थी, पहले जो फादर मदर सेल थी एकदम शुरुआत में उसमें एक ही क्रोमोसोम था और एस फेज के दौरान क्या हुआ था, कॉपी करके सेम टू सेम दूसरी क्रोमेटिड बनी थी। अब एनाफेज में क्या हो रहा है, ये दोनों डिवाइड हो गई, तो एक के पास तो एक कॉपी और दूसरे के पास दूसरी कॉपी, तो दोनों पोल्स के पास एकदम सेम टू सेम जीन दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के पास पहुंच जाते हैं। बात समझ में आई गाइस, इस तरह से डिवाइड हो गया, तो यानी कि पहले हमने क्रोमोसोम को डबल किया एस फेज में, है ना, फिर प्रोफेज में उसको कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाया, फिर मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स को बीच में लेकर के आ गए, फिर एनाफेज में उनको बीच में से तोड़ दिया और उनके बराबर बराबर हिस्से कर दिए ताकि बनने वाली जो दो डॉटर न्यूक्लियाई हैं दोनों के अंदर सेम टू सेम डीएनए पहुंच जाए, बराबर बराबर डीएनए पहुंच जाए। तो ये बराबर बंटवारा होता है आपका एनाफेज में। एना का मतलब होता है बेटा अप, एना जो वर्ड है एना का मतलब होता है अप, तो इसमें अप की तरफ मूवमेंट हो रहा है ना, ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रहा है अप, और फेज का मतलब होता है स्टेज, ठीक है। तो जिस फेज में क्रोमोसोम्स का ऊपर की तरफ यानी पोल्स की तरफ मूवमेंट होता है उस फेज को हम एना फेज बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई सबको बात। दूसरा आपको याद रखना है कि एना फेज इज द शॉर्टेस्ट फेज, सबसे छोटी फेज कौन सी होती है, एनाफेज होती है, शॉर्टेस्ट फेज, जरूर याद रखना है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कैसी फेज होती है, शॉर्टेस्ट फेज होती है। अब एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं क्वेश्चंस में, जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि एस फेज में या प्रोफेज में या किधर भी देख लो, यहाँ पर एक क्रोमोसोम था उसी की कॉपी बनी थी लेकिन दोनों कॉपीज एक से जुड़ी हुई थी, है ना, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पहले एन था तो भी डबल होने के बाद भी क्या रहा, एन रहा,
लेकिन एनाफेज में क्या हो रहा है आप ध्यान से देखो कि डीएनए तो डबल हो चुका था पहले ही, लेकिन अब तो ये क्रोमेटिड्स भी अलग अलग हो गई, तो अब काउंट करेंगे तो क्रोमोसोम का नंबर कितना नजर आएगा, 2n नजर आएगा, डबल नजर आएगा। तो क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम का नंबर एनाफेज में कितना नजर आता है, डबल नजर आता है। ध्यान दे लो बेटा, जैसे ये सेल थी, इसी का डिवीजन हो रहा है, इसमें कितने क्रोमोसोम है, दो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं ना आपको, चार चार आर्म्स वाले, दो क्रोमेटेड वाले। लेकिन यहाँ पे आप गिन के देखो फिर से, एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, चौथा क्रोमोसोम। तो कुछ टाइम के लिए एनाफेज में क्रोमोसोम का नंबर डबल होता है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये जरूर याद रखना अगर आपसे पूछा जाए कि माइटोसिस की या सेल साइकिल की कौन सी फेज में क्रोमोसोम नंबर डबल होता है, नंबर बोल रहा हूं मैं, नंबर, तो उसका आंसर आएगा एनाफेज। ठीक है, डीएनए तो डबल हो जाता है एस फेज में ही, जी टू में भी डबल रहता है, जी वन में सिंगल रहता है, एस में डबल हो जाता है थोड़े टाइम एस के बाद, जी टू में डबल रहता है, प्रोफेज में डबल रहता है, मेटाफेज में डबल रहता है अमाउंट। ठीक है, एनाफेज में भी डबल रहता है, जब तक सेल डिवाइड नहीं हो जाती तब तक डबल ही रहता है ना। लेकिन नंबर की अगर बात करें तो नंबर डबल होता है एनाफेज में, और टेलोफेज में जब लास्ट में दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, ठीक है, साइटोकाइनेसिस के बाद, तो नंबर फिर से दोनों के पास सिंगल सिंगल रह जाता है। तो डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलता है एनाफेज में, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू मस्ट रिमेम्बर इट। तो अकेली माइटोटिक फेज ऐसी है, क्लियर है, ये तो बात हुई एनाफेज के नॉर्मल चीजों के बारे में। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम्स का क्या क्या होता है यहाँ पर। तो दूसरी चीज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि जो एनाफेज है वो क्रोमोसोम्स के शेप की स्टडी के लिए, किसकी स्टडी के लिए, क्रोमोसोम के शेप की स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। इससे हम क्या कर सकते हैं, क्रोमोसोम के शेप की स्टडी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो एनाफेज इज बेस्ट फॉर, बेस्ट टू स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम, स्टडी द शेप ऑफ क्रोमोसोम। अब आपने पहले पढ़ा होगा या फिर आगे चल के आप दोबारा पढ़ोगे कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं। जैसे कि कुछ क्रोमोसोम्स में तो एकदम सेंटर में सेंट्रोमियर होता है, जिसको हम मेसोसेंट्रिक बोलते हैं, मेटासेंट्रिक बोलते हैं। कुछ के अंदर थोड़ा सा ऊपर होता है, एक आम छोटी एक आम बड़ी, जिसको हम सब मेटासेंट्रिक बोलते हैं। एक ऐसा होता है जिसमें ऊपर छोटा सा टिप रहता है और एक बहुत बड़ी होती है, जिसको हम एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं। एक एकदम ऐसा होता है सेंट्रोमियर एकदम टिप पर होता है, जिसको हम टीलोसेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से अलग अलग शेप होती है। इस शेप की स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज है एनाफेज। क्या है एनाफेज, बेस्ट फेज। कैसे बेस्ट फेज है मैं बताता हूँ आपको कि क्या हो रहा है, कि ये क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और स्पिंडल फाइबर्स इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, खींच रहे हैं तो क्या होगा, इसकी दोनों आर्म्स पीछे की तरफ जाएंगी। तो अगर मान के चलो वो मेटासेंट्रिक है, यानी कि सेंट्रोमियर बीच में है, तो वो क्या करता है, इस तरह से वी शेप बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा, दोनों बराबर है तो कौन सी शेप बना रहा है, वी शेप बनाता है। ठीक है, अब देखो अगर ये शेप है इस तरह की, तो क्या बनाएगा, ये सेंट्रोमियर है, यहाँ से इसको फाइबर ऊपर की तरफ खींच रहा है। अगर एक आर्म छोटी है, एक आर्म छोटी है और एक आर्म बड़ी है, तो क्या बन गई, ये एल शेप बन गया कि नहीं बना। इसी तरह से एक तरफ की छोटी है, मान के चलो ये वाली आर्म छोटी है और ये वाली आर्म बड़ी है। ठीक है, तो क्या बन गया, ये थोड़ा सा जे शेप क्रोमोसोम हो गया। अगर मान के चलो एक ही सेंट्रोमियर एकदम टिप पर प्रेजेंट है, तो कौन सी शेप बनाता है, ये आई शेप बनाता है। तो इस तरह से क्रोमोसोम की शेप वी शेप है, एल शेप है, जे शेप है या आई शेप है, इसको स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज कौन सी होती है, एनाफेज होती है। क्लियर हो गया गाइस, स्टडी ऑफ शेप ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्लियर है। कुछ और स्पेशल चीजों के बारे में मैं आपको बताता हूँ एनाफेज में और क्या क्या होता है। सो एक और गाइज हम बात करेंगे, कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली कि खींचा जा रहा है क्रोमोसोम्स को, बीच में से तोड़ करके खींचा जा रहा है, तो खींचने के लिए कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फोर्सेस इन्वॉल्व इस खींचने के लिए कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहला इसमें जो फोर्स आता है वो है काइनेटोकोर कॉन्टेक्ट, काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स। देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम था,
क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर के पास में स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो फाइबर से उसको जोड़ते हैं, जिनको काइनेटोकोर बोलते हैं, ठीक है, पढ़ा है ना हमने। और काइनेटोकोर किससे जुड़े होते हैं? माइक्रोटिब्यूल से जुड़े होते हैं, ठीक है, माइक्रोटिब्यूल फाइबर से जुड़े होते हैं। तो ये क्या बनाता है? स्पिंडल फाइबर। अब क्या होता है गाइस, इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, ये जो फाइबर्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इनमें खिंचाव होता है, ऐसे ऐसे खींचते हैं। तो जब ये खींचेंगे, इस साइड वाला भी खींचेगा साथ में, ठीक है, इस साइड वाला भी खींचता है, ये भी खींचेगा। अब ये जब दोनों खींचेंगे तो सेंट्रोमियर बीच में से डिवाइड होता है, ठीक है। तो एक फोर्स तो कौन सा इन्वॉल्व हो गया? कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ काइनेटोकोर माइक्रोटिब्यूल्स, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर के अंदर जो माइक्रोटिब्यूल्स है वो खिंचाव होता है, ठीक है, काइनेटोकोर माइक्रोटिब्यूल्स, उस खिंचाव की वजह से ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा दूसरा कुछ मैंने क्या बताया था आपको, कुछ ऐसे फाइबर भी होते हैं जो काइनेटोकोर से नहीं जुड़े होते, ठीक है, नॉन काइनेटोकोर माइक्रोटिब्यूल्स, उनको नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स, ठीक है, नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स। ये क्रोमोसोम से जुड़े हुए तो नहीं है, लेकिन क्या होता है यहाँ पर, ये तो अंदर की तरफ खिंच रहे हैं और ये नॉन काइनेटोकोर वाले पोल्स को बाहर की तरफ धक्का देते हैं। तो पोल्स को दिया जा रहा है बाहर की तरफ धक्का। अब यहां से अगर ये धक्का बाहर की तरफ दिया जा रहा है, पोल्स को इधर धकेला जा रहा है, तो पोल्स को जब इधर धकेला जाएगा तो ये फोर्स और ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? खिंचाव वाला फोर्स और ज्यादा बढ़ेगा। तो इसमें क्या होती है, इनकी जो नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं वो पोल्स को पुश करते हैं, पुश द पोल्स अपार्ट, ठीक है, पोल्स को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, तो उसकी वजह से और खिंचाव बढ़ता है और सेंट्रोमियर अलग हो जाता है। दूसरा, जो सेम डॉटर क्रोमोसोम्स होते हैं उनके बीच में रिपल्शन होता है, ये क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है, सो देयर इज ऑल्सो अ रिपल्शन, रिपल्शन बिटवीन डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है, जो डॉटर क्रोमोसोम्स है उनके बीच में रिपल्शन होता है, डॉटर क्रोमोसोम्स, उसकी वजह से भी क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे से दूर चलते चले जाते हैं। और इंटरजोनल फाइबर्स रिलैक्स होते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स, ठीक है, ये बहुत आगे का चला गया, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरजोनल फाइबर्स। तो इन सारे फोर्सेस की वजह से एनाफेज होती है, क्रोमोसोम से दूसरे से दूर जाते हैं। फिर मैंने आपको बताया था सेल साइकिल कंट्रोल में भी कि कंट्रोल कैसे होता है, मेटाफेज से एनाफेज का ट्रांजिशन, इसको कंट्रोल करने वाले प्रोटीन कौन से होते हैं? एपीसीसी प्रोटीन, कौन से होते हैं? एपीसीसी प्रोटीन। ये क्या करते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स का प्रोटियोलाइसिस करते हैं, इसका करते हैं प्रोटियोलाइसिस, यानी कि जो प्रोटीन मेटाफेज को संभाल करके रखते हैं, मेटाफेज को बना करके रखते हैं जो प्रोटीन्स, जैसे कौन कौन से प्रोटीन, सिक्योरिन, ठीक है, आपका एस साइक्लिन, एस फेस साइक्लिन, ठीक है, और आपका एम साइक्लिन, ये ऐसे प्रोटीन है जो कि मेटाफेज को संभाल के रखते हैं। तो ये एपीसी आएगा और एपीसी क्या करेगा, इन संभाल के रखने वाले प्रोटीन्स को डीनेचर करता जाएगा, इसको डीनेचर कर देगा, इनको खत्म कर देगा, इनका प्रोटियोलाइसिस कर देगा। प्रोटियोलाइसिस हो जाएगा तो मेटाफेज को स्टेबल करने वाली सारी चीजें खत्म, तो उसकी वजह से क्या होगा, मेटाफेज डिस्ट्रप्ट हो जाती है और एनाफेज बन जाती है। बात समझ में आ गई गाइस, इस तरह से मेटाफेज से एनाफेज का ट्रांजिशन होता है, क्रोमोसोम साइड की तरफ पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। फाइनली जब ये क्रोमोसोम्स पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे तो और बहुत सारे चेंजेस होंगे और फाइनली दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे, जिसको हम अगली फेज में पढ़ते हैं, दैट इज टेलोफेज। सो गाइस, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट टेलोफेज एंड हाउ द डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्मड, ओके, एंड द कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद मी, दिस इज प्रणव शर्मा, कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।